दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इंडिया टीवी एस्ट्रो की स्पेशल प्रस्तुति कमल नंदलाल का भविष्यफल। इस भविष्यफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल उपाय, राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी, पंचांग बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को आसानी से दूर कर देगा। तो चलिए कमल नंदलाल के भविष्य फल की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में। तो दिन है शुक्रवार का, तारीख है 22 मार्च 2024, फागुन शुक्ल त्रयोदशी पर चंद्रमा सिंह राशि और मघ नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा रहेगी आग्नेय यानी कि साउथ ईस्ट, राहु काल रहेगा सुबह 10:57 से लेकर के दोपहर को 12:28 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:34 से लेकर के रात को 8:44 तक। ये विशेष प्रदोष काल का समय है और विशेष क्या है, फागुन शुक्र प्रदोष है। फागुन का महीना देवादिदेव महादेव को समर्पित है और त्रयोदशी तिथि विशेष रूप से जब संध्या के समय पड़ जाती है उस दिन प्रदोष मनाया जाता है। तो ऐसे में फागुन शुक्र प्रदोष में हम आपको बताएंगे एक विशेष उपाय, उसके लिए पूरी राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यफल के राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में, मेष राशि वालों नए स्रोतों से लाभ होने के योग हैं। पारिवारिक चिंता और तनाव रहेगा, निजी कामकाज से भागदौड़ अधिक रहेगी, आर्थिक निवेश शुभ रहेगा, यात्रा लाभदायक रहेगी। उपाय ये करें कि पानी में शक्कर मिलाकर तुलसी पर चढ़ाएं। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, बड़े सौदों के लिए समय शुभ है, संपत्ति से लाभ मिलेगा, छात्रों को सफलता मिलेगी, कुमारों को विवाह प्रस्ताव मिलेंगे, रुके हुए कामकाज में गति आएगी। उपाय ये करेंगे इच्छा अनुसार खीर खाएं। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे, कारोबारी यात्रा के योग हैं, कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत करेंगे, कामकाज में लापरवाही से बचें, परिजनों के साथ में समय बिताएंगे, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। उपाय ये करें कि किसी गरीब कन्या को चावल दान करें। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, करियर से जुड़े खास फैसले लेंगे, खास काम में देरी होगी, किसी को उधार देने से बचें, पारिवारिक विवाद के योग हैं, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी से बचें। उपाय ये करें कि पूजा घर में शुद्ध घी का दीपक करें। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, रोजगार प्राप्ति के प्रयास जो हैं वो सफल रहेंगे, सामाजिक सम्मान प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत आपकी रंग लाएगी, कीमती वस्तुओं को संभाल करके रखें, सेहत पर भी पूरा ध्यान बनाए रखें। उपाय ये करें कि घर के दक्षिण पूर्व दिशा में दीपक जलाएं। छठी राशि कन्या यानी वर्गो की बात करेंगे, कन्या राशि वालों कोई नई कारोबारी योजना बना पाएंगे, सरकारी महकमों से सहयोग मिलेगा, घरेलू विवाद के योग हैं, मित्रों के संग अच्छा समय बिता पाएंगे, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। उपाय ये करें कि किसी गरीब को आटा दान करें। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे, अचानक से बड़े धन लाभ के योग हैं, कारोबारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, धर्म कर्म में रुचि रहेगी, छात्र कड़ी मेहनत करेंगे। उपाय ये करें कि इत्र का इस्तेमाल करें। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी, सांसारिक जीवन अनुकूल बना रहेगा, धन लाभ के मौके मिलेंगे, सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य में मनमुटाव के योग हैं। उपाय ये करें कि धर्म स्थल में कर्पूर का दान करें। नवी राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे, प्रेम जीवन रसिक रहेगा, व्यवसायिक यात्रा में सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे, कारोबारी विस्तार की योजना बनाएंगे, पिता से पूरा सहयोग मिलेगा। उपाय ये करें कि तुलसी पर चंदन से धूप करें। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, खर्चों में वृद्धि की संभावना है, चोट और विवाद से हानि की संभावना है, व्यवसाय कामकाज सफल रहने के योग हैं, समय पर कामकाज को पूरा कर पाएंगे, अपने गुस्से और भाषा पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखें। उपाय यह करें कि दैनिक पूजा पाठ में गुलाबी फूल चढ़ाएं। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, दफ्तर में कामकाज का बोझ अधिक रहेगा, निवेश से लाभ की संभावना है, दोस्तों के साथ में घूमने फिरने जा सकते हैं, माता की सेहत पर आपको ध्यान देना होगा, अरसे से लंबित पड़े हुए जो काम हैं वो पूरे होने के योग हैं। उपाय ये करें कि पूजा घर में गुलाब की अगरबत्तियाँ जलाएं। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, रोजगार में बदलाव के अनेक अवसर मिलेंगे, आय के नए स्रोत मिलेंगे, गुस्से और भाषा पर पूरा नियंत्रण बनाए रखें, प्रेम जीवन में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, हालांकि दाम्पत्य जीवन मजबूत बना रहेगा। उपाय ये करें कि किसी पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करवाएगा। देखिए खास दिन है फागुन का महीना, शुक्रवार का दिन और प्रदोष, और ऐसे में फागुन प्रदोष
फागुन शुक्र प्रदोष मनाए जाने का विधान है। देवादिदेव महादेव के पूजन का बड़ा विशेष दिन है, तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए शिवलिंग का पूजन करें और गाय के घी में इत्र मिलाकर शिवलिंग के निमित्त दीपक जलाएं और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम वृषभध्वजाय नमः। आश्वस्त करता हूं आपको, अखंड सौभाग्य की निश्चित प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।